अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सनिया काशिफ। एक और रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, मज़ेदार सी रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दम का कीमा बहुत ही क्विक इजी रेसिपी है, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमने 1 किलो मशीन का कीमा लिया है, ठीक है। 1 पाव हमने दही ली है, 1 कप ऑयल चाहिए, 2 टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 लेमन का जूस है, पूरा लेमन मैंने उसका जूस निकाल लिया है। मसालों में हमें चाहिए 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 2 चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच हल्दी। कुछ और इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे जिसमें मैंने लिए हैं 200 ग्राम बादाम, 150 ग्राम मैंने नारियल लिया है, 3 चम्मच खशखाश लिए हैं, 8 छोटी इलायची लिए हैं, 8 काली मिर्चें, 8 लौंग। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम कीमा ऐड कर देंगे, देन हम उसमें दही ऐड कर देंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे, लेमन जूस ऐड कर देंगे, हम सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे इसमें। अब ये जो हमने ड्राई लिया इसको हम पहले हल्के से ऑयल में फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसका पेस्ट बना के वो हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम 1 से 2 मिनट बस हम इसको भूनेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आ जाए। इसके बाद हम इसको ठंडा करके हल्का सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट जो है रेडी हो गया है, उस पेस्ट को भी हम इसमें शामिल कर देंगे। चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप 1-2 घंटे भी इसको मैरिनेट करके आप फ्राई कर सकती हैं। कीमा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए ओवरनाइट या जैसे आपको सहूलत हो 1 या 2 घंटे, हम यहाँ इसको आधा घंटा रख रहे हैं। सबसे पहले इसमें ऑयल ऐड कर देंगे हम, 1 कप ऑयल लिया है हमने, अब हम मैरिनेट किया हुआ कीमा इसमें ऐड कर देंगे। मैं इसको कवर करके हल्की आंच पर तकरीबन 30-25 मिनट पकने के लिए रख देना है। जी तो देखिए दम का कीमा बिल्कुल रेडी है। कैसी लगी है कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।